सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी हम ज़रा मुँह हाथ वगैरह धोए हैं, तो इंशाल्लाह कपड़े चेंज करके मंडी जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तो जैसे ही मैं मंडी पहुंचा हूँ, मंडी पहुंचने के साथ ही फ़ौरन ही अपने काम में मसरूफ़ हो गया हूँ। और जैसा कि हमारा ये सीज़न जापानी फल का है, और आज का दिन मेरे लिए बहुत मसरूफ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा हूँ। और तो और आज मैंने व्लॉग में ऐसी चीज़ डालनी थी जो कि मैं आपको दिखाता, लेकिन वो डाल नहीं सका किसी वजह से। फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस भाई साहब पर। उस बाइक के स्टाइल के बाद मुझे एक बंदा ये स्टिकर दे गया, इस स्टिकर को लेके मैंने बोली में दिखाया। उसके बाद इस स्टिकर से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन खैर ये सिर्फ़ एक मजाक था। और इस तरह की मंडी में फिल्में आती रहती हैं। तो जैसे ही हम अपने काम से फ्री हैं, उसके बाद हम जाने लगे घर की तरफ, तो हमने देखा कि मंडी की इंतज़ामिया ने, रविवल का महीना है जिस तरह कि आप सबको पता है, तो झंडे लगाए हैं। और मौसम भी देखे कितना प्यारा हो रहा है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और जिस तरह आपने अभी देखा, मंडी में इस तरह की फिल्में बहुत सारी आती रहती हैं, इस तरह के लोग आते रहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह की वीडियोज़ बना बना के दिखाता रहूँगा। तो चलिए चलते। तो घर जाते हुए जैसे ही मैं निकला मंडी से, तो उसके बाद मुझे याद आया मैंने अपने बच्चों के लिए कोई सामान लेना है, पैम्पर वगैरह, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि फैमिली फ़र्स्ट है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं ग्रीनरी के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये दरख्त वगैरह काटना और ये चीज़ें बहुत गलत है। आप लोगों की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट सेट हो सके। और ये एक बड़ा प्यारा सा म्यूज़िक सुने अब आप। तो हम आ गए हैं ऊपर अपनी मुर्गियों के पास, तो देखने के लिए खाना वगैरह देखने के लिए डालना है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। सबसे पहले हम अपनी ये जल्दी 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 ये मोरों के लिए रोटी चूर देंगे। ये थोड़ी बहुत रोटियां हैं, ये थोड़ी चूर आधे घंटे तक, ये 10 मिनट तक, जब तक हम ऊपर हैं तब तक ये रोटियाँ अपना नरम हो जाएंगी। फिर हाल देखते हैं, परिंदों का हाल चाल देखते हैं। हाँ भाई इतर ओके हो, ऐसी एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, ये देखो पागल हो जाता है ये। तो मुर्गा भी ठीक है, तोते भी ठीक हैं, यार कबूतरों ने अभी तक अंडे नहीं दिए, समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है। और मुझे लग रहा है कि हमारे तोते के अंडे में से बच्चा निकल गया है, देखते हैं गाइस, उम्मीद करता हूँ निकल गया वाला करे। नहीं निकला, सो सैड। अच्छा जी, तो रोटी कहाँ गई वाली? हाँ ये रोटी, ये रोटी उठा लेते हैं। मुर्गी ने अंडा दिया है या नहीं दिया? यार क्या हो गया, मुर्गी आज भी अंडा नहीं दिया। मुर्गी ने बल बल बल, हीरे भी ठीक है हमारे माशाल्लाह से। और यार ये वाला मोर भी बीमार हो रहा था, मैंने कल इसको दवाई दी है, आज देखते हैं क्या है। थोड़ा बहुत तो बेटर लग रहा है मुझे, चल फिर रहा है, चलें देखते हैं। परिंदों का हमने अपना खाना पीना कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब कुछ ठीक है। और अभी हम, मैं ज़रा आपको बताया था कि अपना फार्म हाउस तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान दरकार था जो हमारे पास पहले से अवेलेबल था, तो आज वो हम लोड कर रहे हैं। ये देखें आप,
तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।